ओम शांति। आपका प्रश्न है, शौचालय निवृत्ति के बाद स्नान करना, कपड़े बदलना क्यों जरूरी है? शौचालय निवृत्ति में हम एक ऐसे स्थान पर होते हैं जहां अशुद्धता है, यदि पहले कपड़े उतार लिए जाएं और फिर शौचालय करने के बाद स्नान कर लिया जाए, फिर हम उन कपड़ों को प्रयोग कर सकते, क्योंकि उनमें स्मेल होना स्वाभाविक हो जाता है। अब दूसरा है स्नान करना, क्योंकि जब हम शौचालय में जाते हैं उससे हमारा पेट जब साफ होता है तो हमारे शरीर का जो बैलेंस है, जठराग्नि का जो रूप है उसको संतुलित करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम स्नान करें और हमारा जो पेट है, पाचन तंत्र है, वो एकदम संतुलित हो जाए, शांत हो जाए। शौचालय के बाद नहाना जरूरी है। ठीक इसके विपरीत याद रखें, खाना खाने के बाद नहाना वर्जित है। खाना खाने के बाद नहाने से हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है। वे भोजन को पचने नहीं देती है और शौचालय के बाद जठराग्नि शांत होने से, क्योंकि पेट में कुछ है ही नहीं, उसे वो कार्य करने की जरूरत नहीं। इसलिए ये आयुर्वेद के अनुसार बताया जाता है कि स्नान करने के बाद सोच जाएं, परंतु खाना खाने के बाद कभी नहीं स्नान करें। सोच जाने के बाद स्नान करें, परंतु खाना खाने के बाद स्नान नहीं करें। और स्वच्छ कपड़े होंगे, हम जहां भी जाएंगे वहां स्मेल नहीं आएगी। स्वच्छता के लिए साफ कपड़े डालना जरूरी होता है। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।